नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया है कि सर, हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, तो हम इंट्रूसिव थॉट्स का क्या करें, नेगेटिव थॉट्स का क्या करें, हम इसको चेंज करें या फिर हम इसको अवॉइड करें, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, आपके सारे डाउट्स है वो इसके साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो दिमाग में मान लीजिए कि जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई सा भी नेगेटिव थॉट, मैं पूरे एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कोई भी जो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, तो ये मान लीजिए कि एक थॉट दिमाग में आया, तो सर मैं क्या करूं इस थॉट का, मैं इस थॉट को इग्नोर करूं या इस थॉट को चेंज करूं। समझिएगा दोस्तों कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण ये जो थॉट है, एक सिंपल सा जो इमेजिनरी जो थॉट है, वो इतना ज्यादा डर पैदा कर देता है कि सच में ऐसे लगने लग जाता है कि मरने वाले हैं। जिनके दिमाग में भी ऐसा थॉट आता है, उनको रियलिटी में इतना ज्यादा फियर उनके अंदर क्रिएट होता है कि आज तो सच में मरने वाले हैं, आज तो जान जाने ही वाली है, आज तो बस सब खत्म ही होने वाले थे, इतना ज्यादा उनको जो डेथ एंजाइटी वो फील होता है। एक सिंपल सा थॉट जो इमेजिनरी थॉट है, लेकिन जिसके साथ में ये प्रॉब्लम होती है ना, उसको तो बहुत ज्यादा डर लगता है, एकदम रियलिटी जैसा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। वो मिस्टेक्स हमारी क्या है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझिएगा कि जब ये थॉट हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहले तो हम इस थॉट को किस तरह से डील करते हैं। हमारी जो डीलिंग होती है, वो हमारी डीलिंग ये रहती है कि मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, नहीं, मुझे इस थॉट के बारे में नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। अब आपने एक बार इस थॉट को क्या कर दिया, साफ कर दिया, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। तो आपने अपने माइंड में बोला कि नहीं, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। आप सड़क पे चल रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है तेज स्पीड में, अरे तू मर जाएगा, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। फिर आप ऑफिस में जा रहे हो, अरे ये छत आपके ऊपर गिर जाएगी। आपने कहीं पर कुल्हाड़ी देख ली, अरे इस कुल्हाड़ी से कोई मुझे मार देगा। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, अरे मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मतलब जितनी भी हम चीजें देखते हैं, उन सब से हमारे दिमाग में क्या क्रिएट होता जा रहा है, लगातार लगातार यही थॉट क्रिएट होता जा रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मतलब जितनी भी चीजों से मर सकता है, उतने के उतने हमारे दिमाग में थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, तो आपने इस चीज को क्या किया, सप्रेस किया, इस चीज को आपने क्या किया, दबाया। अब जब आपका दबाने से थोड़े दिन तक तो काम चल जाता है, जैसे आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा है और आप उसको दबाते हो, किसी भी चीज के कारण आप उसको क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, तो दबाने से एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दबाने से एक बार तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार दबाते रहोगे तो धीरे धीरे वो क्या करता है, विरोध करेगा ना सामने वाला। तो आप इस विचार को भी अगर आप दबा रहे हो, तो दबाने से कुछ दिनों तक तो आपका काम चल जाएगा, कुछ दिनों तक तो आपको ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे अंदर क्या हो रहा है, जो दबावट जो हो रही है ना, धीरे धीरे अंदर क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो इकट्ठा हो रही है, तो फाइनली दबाने से काम चलना हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर से फिर ये दिमाग में हमारा है, अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना से हमारा काम नहीं चलता। मतलब यहां तक आप अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन एक टाइम के बाद में दबाने से काम चलना बंद हो जाता है। अब आता है इसका सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में क्या होता है कि जब भी ये दिमाग में ख्याल आता है कि यार मेरी डेथ हो जाएगी, ये छत नीचे गिर जाएगी, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह के जो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर अब हम एक नया तरीका और ढूंढते हैं। हम नया तरीका क्या ढूंढते हैं कि मैं अपने आप को पूरे दिन बिजी रखूंगा ताकि मेरा इस थॉट के ऊपर ध्यान जाए ही नहीं। मैं अपने आप को क्या रखूंगा, पूरे दिन बिजी रखूंगा, मैं अपने आप को काम में लगा के रखूंगा, मैं घर वालों के साथ में पूरे दिन बिजी रखूंगा, मैं हर तरह से अपने आप को एकदम बिजी रखूंगा। मतलब हम इस थॉट को डिस्प्यूट नहीं कर रहे, हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे, अभी हमने क्या कर लिया, एक नया तरीका ढूंढ लिया इसको इग्नोर करने का हमने, कि भाई इसके ऊपर ध्यान जाए ही नहीं। हम अपने आप को किस में कर लेते हैं, किसी काम के अंदर एक्स्ट्रा बिजी कर लेते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर लेता हूं सर, मोबाइल में देखने लग जाता हूं या बाहर घूम के आ जाता हूं, ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं, इससे भी जो हमने क्या किया इसको
मैं दूसरे काम पे ध्यान दे देता हूं। मैं दूसरे काम में ध्यान दे देता हूं, अपने आप को बिजी कर लेता हूं। यहां पे तो मैंने सप्रेस किया, यहां पे मैंने इसको क्या किया, इग्नोर किया। अब इग्नोर करने से भी कई दिन तो काम चल ही जाता है। आप मान लीजिए कि किसी को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन इग्नोर करने में बहुत मेहनत लगती है। दिमाग के अंदर एक लगातार लड़ाई चलती रहती है। जैसे आपके सामने एक पर्सन खड़ा है और आप अपने दिमाग में कह रहे हो कि मुझे उसकी तरफ नहीं देखना, तो बेसिकली आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है कि मुझे उसकी तरफ नहीं देखना, मुझे उसकी तरफ नहीं देखना। कहीं आप उसकी तरफ देख ना लो, आपको अपने आप को लगातार रोकना पड़ता है। मतलब दिमाग आपका हर वक्त किस में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। आपका दिमाग नहीं, मुझे अपने आप को बिजी रखना है, मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं मैं अपने आप को व्यस्त रखूंगा, मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। यह है हमारा सेकंड लेवल, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं चीजों को। इसके बाद आता है तीसरा लेवल, ये चीज और थोड़ी आगे बढ़ती है। तीसरा लेवल आता है, तीसरा लेवल क्या आता है यहां पर, तीसरा आता है कि अब हम इसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करने लग जाते हैं। नेगेटिव रिएक्शन वाला थर्ड स्टेट है इसमें। अच्छा, इस नेगेटिव रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस नेगेटिव रिएक्शन के अंदर ये होता है कि मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो सड़क पे पहले मैं गाड़ी चला रहा था सर, मस्ती से गाड़ी चला लेता था सर, दबा लेता था सर, इग्नोर कर देता था, गाड़ी पे ध्यान देना, गाड़ी पे ध्यान देना। अब इग्नोरेंस से काम नहीं चल रहा, ट्रक आता हूं, मुझे तो ऐसे लगता है ये मुझे ही मारेगा, तो मैंने सर गाड़ी चलाना छोड़ दिया। ये मैंने नेगेटिवली रिएक्ट किया, मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया सर। फिर सर मैं ड्राइवर को रखता था, अब मुझे सर ड्राइवर से भी डर लगता है, क्योंकि मैंने अखबार में एक दो न्यूज ऐसी पढ़ ली थी कि ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा था फिर भी एक्सीडेंट हो गया और वो सलट गया, तो मेरे को ये डर लगने लग गया सर कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने गाड़ी में बैठना छोड़ दिया। मैंने बस में जाना शुरू किया था, बस के भी एक्सीडेंट हो जाते, मैंने उसको भी छोड़ दिया, ट्रेन को भी छोड़ दिया। सर मैंने तो ऑफिस जाना ही छोड़ दिया, मैंने सुन लिया था कि छत गिर जाती है, तो मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मैंने सर धीरे धीरे सड़क पर जाना छोड़ दिया, अब मैंने अपने आप को पूरी तरह से घर में एक कमरे के अंदर कैद कर लिया। लेकिन अब तो सर पहले कमरे में भी आराम मिल रहा था, अब तो कमरे में भी डर लग रहा है कि कहीं कमरे की छत मेरे ऊपर ना गिर जाए, कुछ और ना हो जाए। तो ये हमने क्या किया, इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो ये जो तीनों प्रोसेस हमने किए, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, जो ये थॉट आ रहा है इस थॉट को अवॉइड करने का पार्ट। आप इसको जितना अवॉइड करते हो, शुरुआत में आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलता है, एक बार टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस इसी प्रोसेस पर चलते रहते हो कि लगातार आप उस थॉट को अवॉइड ही कर रहे हो, आप उसको उससे आप क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो, आप उसको डील नहीं कर रहे, आप इसको समझ नहीं रहे, आप इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप सिर्फ इससे क्या कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, एस्केप कर रहे हो, भाग रहे हो इससे, तो ये थॉट धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाता है। और जब ये स्ट्रांग होता है तो उसके बाद फाइनली हमारे अंदर क्या क्रिएट करने लग जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। जब ये कंटिन्यूस आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो इन चीजों से, हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। जब हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारा जो माइंड है वो किस में चला जाता है, जब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो हमारा माइंड जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारा दिमाग में फ्री रेडिकल्स रिलीज होता है, हमारे दिमाग में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स आपके जो हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन क्रिएट करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स का क्या करवा देते हैं, इन्फ्लामेशन करवा देते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग में जो सेरोटोनिन और जो डोपामीन है इनका लेवल क्या हो जाता है, आपके दिमाग में कम हो जाता है, इनका जो लेवल है वो कम हो जाता है। और जैसे ही इनका लेवल कम होता है, हम किस में फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम पैनिक का शिकार हो जाते हैं। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा अचानक बढ़ती है तो पैनिक हो जाता है, और जब वो सेम थॉट बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम हटा रहे होते हैं, रिपीट हो रहा होता है हम हटा रहे होते हैं, रिपीट हो रहा होता है हम हटा रहते हैं, तो कई बार हम किस में चले जाते हैं, ओसीडी के अंदर चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारा मूड भी खराब होता है तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो डॉक्टर कन्हैया क्या करें, हम क्या करें कि हम इस चीज से बाहर आ जाएं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसका मतलब हमारे अंदर ये ज्यादा रहे, ये ज्यादा तभी रह सकता है जब हमारे न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन ना हो। ये न्यूरॉन का इन्फ्लामेशन तभी रुकता है जब एक्सेसिव जो फ्री रेडिकल्स है उनको साफ कर दिया जाए। उनको साफ करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट्स इनफ मात्रा में है तो आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन चूंकि हमारा माइंड कंटिन्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है,
तो फिर हमें फिर से थोड़ी देर बाद में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हम बाहर से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने दोस्तों एक नेचुरल प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको डॉक्टर के माइंड टॉनिक हम लोगों ने इसको रिलीज किया है, जो हमारे माइंड के अंदर ये जो फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को ये क्या कर देता है, साफ कर देता है, मतलब आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग बनता है, उससे आपका दिमाग मजबूत बनता है, उससे आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये तो है इसका रिलीफ कि हमें आराम मिल जाए। और अगर हम इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, परमानेंटली अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपने दिमाग को तो मजबूत कर लिया, आपने अपने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए जिससे आपको रिलीफ मिल जाता है। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डॉक्टर के माइंड टॉनिक आपको मिल जाएगा। दूसरा जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है इसका, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें हटाना पड़ेगा। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है, इसके कारण क्रिएट हो रहा है, इसके हमारे दिमाग में क्या बने हुए, न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, इसके हमारे दिमाग में क्या बने हुए, न्यूरल पैटर्न्स बने हुए। हमें इन न्यूरल पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, हमें इन न्यूरल पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा, तभी ये हमारा थॉट बदल पाएगा। अच्छा, इसको कैसे हम हमारे न्यूरल पैटर्न्स को बदले, उसके लिए दोस्तों हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए हम सीबीटी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है, जो भी हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है, हम इस थॉट को डिस्प्यूट करें, हम इस थॉट को डिस्प्यूट करें, इसको वैलिडेट करें कि मेरी डेथ हो जाएगी, भाई क्यों, ये थॉट कहां से क्रिएट हुआ, अरे सर 2 साल पहले क्या है कि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे इसलिए मेरे दिमाग में थॉट आया। तो ये एक एज्यूम्ड थॉट है, हमने जनरलाइज किया है, वहां से हम अपने आप को बताएं कि एक जनरलाइज्ड थॉट है, सर मेरे फ्रेंड एक्सपायर हो गया था उसके कारण थॉट है, ये एक जनरलाइज्ड थॉट है। हम अपने आप को बताएं कि ये क्या है, जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब गली का एक कुत्ता अगर आपको काट लेता है तो आपको लगता है सारे कुत्ते काटेंगे, ऐसा नहीं है, हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। तो हमें हमारे कॉग्निशंस को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, अपने न्यूरल पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ये तीनों जो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, अगर हम इन मिस्टेक्स को कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ में लगातार होती रहेगी। तो ये हमें इग्नोरेंस वाला तरीका नहीं अपनाना, हमें क्या करना है, हमारे इस थॉट को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। जब भी दिमाग में थॉट आता है उसको चैलेंज करना पड़ेगा। जब आप चैलेंज करोगे रियलिटी बैकग्राउंड पर, इसकी जगह मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टेड थॉट को बार बार ऐड करेंगे, धीरे धीरे इस थॉट की क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बनेंगे, और जब पैटर्न्स मजबूत बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जगह क्या आएगा, एक करेक्टिव थॉट आएगा। जब करेक्टिव थॉट आएगा तो उससे हमें ना तो लड़ने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, वो थॉट ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा, सूद करेगा। उसके लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की है वो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर अपन सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं थॉट को चेंज करने के लिए, पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, तो हम दोस्तों इस चीज से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको एनरोल करके अपने अंदर सीबीटी को पूरी तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप पैसिमिज्म से, नेगेटिविटी से ऑप्टिमिज्म, जो पॉजिटिविटी है, उसकी तरफ अपने आप को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेके जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल डी आर के टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।